शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैडम सर, ये एकदम से आपने हेडक्वार्टर जाने के लिए पैदल चलने का विचार? देखिए, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना छोटा मोटा फासला पैदल ही तय कर लिया जाए। चलना सेहत के लिए अच्छा भी है और हम पेट्रोल भी बचा लेंगे। पर डिपार्टमेंट जो है वो हमको गाड़ी देता है ताकि पुलिस फोर्स जो है वो अपने समय का सदुपयोग कर सके अपने जनता की सेवा के लिए। ना, हमारे समय जो है वो जनता का समय है, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, मतलब पैदल चल के हम अपना सेहत तो बना लेंगे, पर जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं मैडम सर, उसका कहा ना, मतलब पैदल चल के थक भी तो जाएंगे ना, कितना पैदल चल लेंगे आप बताइए। इसीलिए हमें लगता है कि मीरा जैसी मशीन ही थाने के लिए बेहतर है। ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मशीन को उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हर जगह हर वक्त हाजिर है, फिर चाहे कहीं भाग कर ही क्यों ना पहुंचना पड़े। मीरा जैसी मशीन तो कभी थकेगी भी नहीं ना। हाँ मीरा, वही हम सोचे कि ये शब्द आपके मुंह में कैसे नहीं आया, आपने इसका तारीफ कैसे नहीं किया, आपने कैसे हमें नीचा नहीं दिखाया मीरा का नाम लेके, वही तो हम सोचे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं करिश्मा सिंह। हम समझते हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा मैडम से। हमने जो अपना ये जो ट्रांसफर जो है, ये इसके लिए अपना दिमाग जो बदला है ना, वो आप इसलिए नहीं बदला है कि आप चाहती हैं, वो इसलिए बदला है कि हमने सोचा कि अगर इस थाने से किसी को जाना चाहिए ना, तो वो ये टीन के डब्बे को जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम कहाँ जाएं, टीन के डब्बे पूरा कब्जा करके बैठे हुए हमारी पुलिस फोर्स में। और आपने तो अब मीरा का जिम्मेदारी देके बहुत बढ़िया काम कर दिया मैडम से ना। हम आपको, डिपार्टमेंट को, इस टीम के डब्बा बनाने वाले रचयिता को बताएंगे कि ये टीम के डब्बे जो है ना, ये हमारे इंसानों का जगह नहीं ले सकते हैं। इनका कोई जगह नहीं है हमारे थाना में, इनको जाना चाहिए यहाँ से। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, 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 बचाओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, 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 किसने की आपकी ये हालत? आपका नाम क्या है? हमारा नाम हसीना मलिक, हमारा नाम हसीना मलिक। आपका क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम स्वाहा, पूजा, पूजा। एक मिनट, ये हमारा आईडी है, आपके पास है आईडी? है, कहाँ है? थैंक गॉड। अर्पित अग्रवाल। अगर ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? ये देखिए आप, ये देखिए। नहीं, आराम से बड़े भैया, खुल कर समझाइए कि कौन बांधा था आपको, कौन इसे ट्रक में रखा था आपको, सब खुल के बताइए एकदम। साधना, तुमको जो किडनैप की, उसका नाम साधना था, महिला थी, महिला, औरत, साधना। वहम है। करे? कुछ नहीं, तुम बोलो आगे। बाबा रामदेव जी। गजब, उन्होंने किडनैप किया, लेकिन उनको क्या जरूरत है किडनैप करने की तुम्हें? हाँ। एक मिनट, कपाल भारती, भारती,
भाती। हाँ वही तो कह रहे हैं मैडम सर, कपाल भाती मतलब हम सब मिल के अगर कपाल भाती करेंगे तो आप बताओगे क्या हुआ? हाँ। अच्छा गोली मारने का मन कर रहा है? वैसे हम सबका भी संतु के साथ बात करने के बाद यही होता है, गोली मारने का मन करता है। गजब। नहीं नहीं मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जाना है, जाओ जाओ अंदर जाके लिफ्ट। क्या ये मैडम श्री केस नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। मिलो बैठो। दो बजे बताओगे क्या हुआ? क्यों अभी क्यों नहीं बताओगे क्या हुआ? बदबू बदबू आ रही, बदबू बदबू आ रही। ए तू दूर हो जा, दूर हो जा। तुम भभा कर राक्षस, तुम पीछे रहो। अम्मा तू बताओ ना ठीक से क्या कह रहे हो तुम? क्यों इरिटेट हो रहे हो? आपसे ज्यादा हम यहाँ पे हो रहे हैं। हाँ, फिर मीरा छोड़ो उसे। अटेम्प्ट टू मर्डर, सीरियस ऑफेंस, यू आर अंडर अरेस्ट। मीरा उसे चोट लग जाएगी, छोड़ दो उसे। मीरा इट्स नॉट हर। मीरा हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे, छोड़ो उसे। मैडम सर ये आपके ऑर्डर क्यों नहीं मान रही है? छोड़ो उसे, इट्स नॉट हर। मीरा छोड़ो उसे, हमारा ऑर्डर है। ठीक है मैडम सर, आप भूल रही हैं, आपने कमांड मीरा का हमारे हाथ में दे दिया है, वो हमारा ऑर्डर मानती है अब। हाँ मीरा एक काम करो, तुम वो टेलीफोन डायरेक्टरी खोलो, उसमें जितना भी नंबर है ना सबको फोन करो, जो तुम्हारा फोन उठाएगा उससे पूछो कि उनके घर में का सब्जी बना है, समझी? ओके मैडम। ओके क्या मैडम करिश्मा सिंह की क्या काम दे रही हैं? हेलो मैं मीरा, आज आपके घर पे कौन सी सब्जी बनी है? करिश्मा सिंह ये सब क्या है? मैडम सर हम जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, आप हमें करने दीजिए। सुनिए आप, आपको थैंक गॉड। ओके इन्हें पेन और पेपर दीजिए, आप हमारे साथ केबिन में आइए। हम अच्छे से जानते हैं आप क्या कर रही हैं करिश्मा सिंह। आप इसे ये बेफिजूल के बेमतलब के काम देकर चाहती हैं कि जैसे तैसे थाने में उसका लिमिटेड टाइम खत्म हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। हम यही चाहते हैं मैडम सर कि वो यहाँ से चली जाए। क्या वो इंसान बन नहीं सकती है तो उस पर हम अपना टाइम बर्बाद काहे करें? इससे अच्छा वो तो चाहते आज ही चले जाए, पर ठीक है। करिश्मा सिंह ये गलत है। मैडम सर सही गलत आप हम पे छोड़ दीजिए। अपने अधिकारों का इस तरीके से इस्तेमाल करना ये गलत है। मैडम सर शायद आप भूल रहे हैं कि अब आपने मीरा का जिम्मेदारी जो है वो हमको दे दिया है, तो उसको का ऑर्डर देना है और उसको का ऑर्डर नहीं देना है वो अब हमारे ऊपर है, और अगर आप हम पे छोड़ देंगे तो आपका मेहरबानी होगा। करिश्मा सिंह मैडम सर अर्पित ने ये लिखा है। क्या लिखा मैडम सर? इसमें अर्पित ने लिखा है कि 5 साल पहले उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से उसकी सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। इसका कहना है कि वो एक पार्क में गया था योगा करने के लिए कि अचानक से 2 लोग आए और उसे गन पॉइंट पर रखा, उसके मुंह पर एक कपड़ा रखा जिससे वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आँख खुली तो वो एक ट्रक में पड़ा हुआ था बंधा हुआ। अजीब चीज ये है कि वो जानता ही नहीं कि ये सब उसके साथ किसने किया, और उसका ना ही कोई दुश्मन है, ना किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, ना ही कोई मसला है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट लूटपाट का मामला भी नहीं है, क्योंकि जब उसकी आंखें खुली तब उसकी घड़ी, उसकी चेन, उसका वॉलेट सब कुछ उसके पास ही था।
ये सब तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अगर ये बोल नहीं सकता है तो फिर बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था ना? हमको आवाज आई बचाओ बचाओ, इसलिए हम ट्रक तक भागे, और ट्रक में अर्पित के अलावा और कोई नहीं बैठा था, तो फिर मदद कौन मांग रहा था? एग्जैक्टली, एक गूंगा बहरा आदमी मदद के लिए कैसे चिल्ला सकता है? और अगर किसी और ने चिल्लाया है तो वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? और अगर गायब हुआ भी तो हमें कहीं तो दिखता, ट्रक के आगे पीछे साइड में कहीं तो कुछ तो पता चलता उसके बारे में। इस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है, ये हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि माजरा क्या है। प्रीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा को बुलाइए, कहीं हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके मैडम सर। ये जब करिश्मा सिंह उसकी मदद करने गई थी वो वाला फुटेज है? जी दिखाओ। ये देखिए, देखिए मैडम सर, यहाँ तक भी बचाओ बचाओ का आवाज लगातार आ रहा है, लेकिन ट्रक के इर्द गिर्द कोई नहीं। ट्रक के आगे की साइड आपने अच्छे से चेक किया? आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह अच्छे से चेक कर लिया है ना, मतलब चिड़िया भी होती ना तो वो भी हमारे नजरों से बचती नहीं। नहीं मैडम, चिड़िया होती तो वो तो उड़ जाती ना। सॉरी, वो हो सकता है ट्रक के अंदर से कोई चिल्ला रहा हो। नहीं संतु, ट्रक के अंदर से कोई कैसे चिल्लाएगा? ट्रक में अर्पित के अलावा कोई है ही नहीं ना। तो हो सकता है अर्पित ही चिल्ला रहा हो। अर्पित कैसे चिल्लाएगा? अर्पित ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो कि वो गुंगा बहरा है। मैडम सर, दुनिया में दो ही चीजें जो नहीं हो सकती, एक जो हुई नहीं है, दूसरी जो अब तक नहीं हुई है, बाकी तो क्या ही इम्पॉसिबल है। सिंगाड़े खाई हो ना? बिना सिंगाड़े के भी बहुत शार्प हूं मैं मैडम। वो तो है, क्योंकि जो चीज हमें सूझनी चाहिए थी वो तुम्हें सूझी, लेकिन सवाल ये है कि अर्पित अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? और उससे भी बड़ी बात यह कि उसे ट्रक में किसने डाला, क्यों डाला? करिश्मा सिंह, अर्पित के घर जाइए, उसके घर वालों से बात कीजिए, देखिए क्या झमेला है। और हाँ, मीरा और पुष्पा जी को साथ ले जाइएगा। पुष्पा जी को ले जाते हैं साथ में, मीरा क्या करेगी जाके? हम जानते हैं आप उन्हें साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती हैं, ताकि आपको उन्हें ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में ना सिखाना पड़े। करेक्ट? करेक्ट। जय मैडम सर। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। नहीं मतलब ये सही है ना, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसकी गाज सिर्फ हम ही पर गिरे, और वो तुम लोगों की लाडली महारानी करिश्मा देवी, वो यहाँ से बाहर कहीं चाय पीने के लिए भी जा रही हो ना तो जाएगी अपनी मोटरसाइकिल पर। वैसे बात तो सही है, ये थाने के पेट्रोल बजट को कंट्रोल में लाने के लिए मैडम से ने जो रूल्स बनाए ना, उसने तो सच में बैंड बजा दी है। हर जगह पैदल आना जाना, मैं तो पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं ना अभी। वैसे वैसे गई कहाँ थी? गई कहीं नहीं थी, सोच के ही पैर दर्द हो रहे हैं। ये पैदल मासूमियत, ये इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? इरिटेशन इज अ वेरी डेंजरस बीमारी, वो इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाती है। हमारे फैमिली बाबा है, वो कहते हैं जो परेशान रहता है उसी के मन में पाप का बोझ रहता है, पाप का भारी पत्थर लेकर वो घूमता रहता है। अपने मन में जो सच है वो किसी को बताता नहीं है। अपने पाप को, अपने बोझ को मन में मत रखो। नहीं मगर बिल्ले, कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना जिससे हम हमारे मन की बात कहे, और बिना इस डर के कि वो हमारी बात किसी से कहेगा तो नहीं, हमें हमारे बारे में क्या सोचेगा, या तो फिर हमारे इस राज का फायदा तो नहीं उठाएगा। माँ, तुम्हारे सवालों का जवाब वहां बैठा है। हम लल्ला के पप्पा को अपना दिल दे बैठे, उन्हें पाने की ऐसी दीवानगी छा गई ना हमारे सर पे कि क्या बताया हम आपको। अपने प्यार को पाने के लिए हमने हमारी पक्की सहेली के बारे में इतना भला बुरा कहा, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की कि एक ही घंटे में उनकी शादी कैंसिल हो गई। वैसे तो ऐसा बहुत सारा कांड किए हम जिसका बोझ अब तक हमारे मन पर है, लेकिन जो सबसे भयंकर कांड है ना, एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, हार्डवर्क और डेडिकेशन एक तरफ है, लेकिन चीटिंग भी एक तरफ है ना। बस इतना ही बोलना था, सुन ली ना आपने?
सॉरी। कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है ना? तुझे कैसा लग रहा है? गुफा ने बाबा मुझे नॉलेज दिला दी। मैडम जी, उस कमीने को छोड़िएगा नहीं आप। अरे तो कुछ बोल सुन भी नहीं सकते, किसी का क्या बिगाड़ेंगे। सच कहती हूँ जी, आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सत्यानाश हो उसका, बेड़ा गर्क हो उस कमीने का। उसे हैजा लगे, कीड़े पड़े, दोजख में जाए, एक बच्चे को एक माँ ही प्यार कर सकती है ना, वही उसे समझ सकती है ना, बाकी कुछ नहीं समझ सकते, सब बेकार है। बिल्कुल बड़ी बहन, आपके जमाने की औरतों को यही सब गालियां आती है, हैजा खाए, कीड़े पड़े, अब पब्लिक को नया मांगता है। बोलो बट जाओ अपनी जगह पे जाओ। आप ये मुझे सुना रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसे जो समझना है समझे। जबान हमारे पास भी है, जवाब हम भी दे सकते हैं। अरे तो मैं क्या चुप बैठूंगी, मैं भी बोलूंगी। देखिए आप अपने हाथ में रहिए, वरना हम। अरे वरना क्या कर लोगी तुम, हाथ लगा कर दिखाओ। महिला थाने में खड़ी हूँ, एक FIR लिखवाएंगे ना अभी के अभी, सीधे तुम अंदर जाओगे हवालात में। अरे जाएंगे जाएंगे, पर आप वो साथ लेकर जाएंगे। अरे छोड़ा इसे, बड़ी साथ लेकर जाएगी। हमारे पति है। अरे छोड़, मेरा बेटा है। ओह माय गॉड, एकदम कॉपी पेस्ट। जालिम सास बेचारी बहू, जालिम बहू बेचारी सास। क्या बोले? बेचारी बहू सास जालिम जमाना। क्या करें? माताजी आप थोड़ा आराम से, आप थाना में खड़ी हैं, आप घर पे नहीं हैं, अपने बहू को ऐसे सरेआम लताड़ना बंद कीजिए आप। एक मिनट, तो बहू कौन सी कम है? देखा नहीं कैसे जबान चला रही है अपनी सास के सामने, ऐसे बात करते अपनी सास से, हाँ बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। ओह बहू रानी, आपकी माँ ने भी नहीं सिखाई बड़ों से बात करने की तमीज। एक मिनट, भी ना, ये भी का क्या मतलब हुआ? आपको पता है भी का मतलब क्या है? आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, अपने ही सामने एक बहू को अपनी सास का अपमान करते देखकर। इसीलिए सास को रोका, हाँ सास को रोका, बहू को नहीं रोका। बड़ा सा आपका निकल रहा है क्या? वो सास अपनी बहू के साथ वो कर रही है सरेआम जो आप नहीं कर पाती है, सरेआम बेइज्जती। हाँ हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कौन सा मुंह लगने का शौक है आपका? अरे ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? ये सास बहू ही है जी। हाँ। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि इनकी हालत कब और कैसे हुई? मतलब वो बचपन से ही ऐसे या फिर उनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, गूंगे बहरे हो गए? नहीं मैडम जी, कुछ साल पहले मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छे से सुन सकता था, बोल सकता था। अब पिछले 5 साल से एक दिन अचानक क्या हुआ, किसी की जोर से गिरने की आवाज आई, हम लोग दौड़ कर हॉल में आए तो देखे। तो हम कहा देखते है ना कि सीढ़ियों के पास लुढ़के पड़े थे एकदम बेहोश। तो इनके दोस्त है डॉक्टर रतनलाल, उनके पास हम ले गए। वो कहने लगे कि इनकी सुनने और बोलने की शक्ति जा चुकी है, नसें एकदम डैमेज, तो तब से ये बोल सुन नहीं सकते। हाँ मैडम जी। तो क्या लगता है आपको, आपकी बेटी की जान को किसी से खतरा था? हाँ मैडम जी, हमको भी यही लगता है, लगता है उसके जान के पीछे कोई ना कोई तो पड़ा ही है। क्या है ना कि वो सफल बिजनेसमैन है, बिजनेस में अच्छा नाम है उसका। हाँ पर पहले ऐसा कभी हुआ कि किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया और इनको ऐसा कुछ प्रयास किया हो? नहीं। ठीक है, हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ सतर्क रहिएगा क्योंकि हो सकता है जिसने भी ये किया हो दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश करे। सो बी केयरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आप जा सकते हैं। चल बेटा चल। ये टेम्पो आपका है? बस जी आप ही का है? नहीं मेरा नहीं है। नहीं समझी मैडम, नहीं वो आप ही का है, ऐसा हम कहते हैं, है तो हमारा ही लेकिन हम कहते हैं आप ही का है।
क्या 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 कर रहे हो यार? मतलब सीधा बात को जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बताने का क्या जरूरत है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि टेम्पो तुम्हारा है? आपके टेम्पो में एक आदमी बंधा पड़ा था, क्या आप जानते थे? क्या बात कर रही है मैडम, अगर हमको पता होता तो हम उससे भाड़ा नहीं लेते। वो हमें बाद में पता चला पुलिस से। अच्छा, तो आप अपना टेम्पो यहाँ छोड़ कर आप कहीं गए थे? मैडम जी, पेट्रोल की कीमत तो आपको पता है, अब पेट्रोल महंगा है तो धंधा बंद पड़ा है, इसलिए कई दिनों से हमारा ये टेम्पो यही खड़ा है। अब खड़े टेम्पो में कौन चढ़ा कौन उतरा ये हम कैसे बता सकते हैं? गजब गजब, देख रहे हैं संतु जी, करिश्मा मैडम का दिमाग लगाई है ना, मतलब मीरा मैडम अपना पूरा दिमाग इधर खपाती रहेंगी और हाथ में कुछ जो नहीं लगेगा ऐसे ही बैरंग होकर वापस थाना चल लेंगे। करिश्मा मैडम कहाँ? करिश्मा मैडम तो पुष्पा जी के साथ वहाँ पर गई है ना, अर्पित के घर के पास खोजबीन करने के लिए। आखिर में केस दोनों को सुलझाना है, इनको तो टाइम पास में उलझा रखा है। ये मैं 22 किलोमीटर तक कोई भी आवाज सुन सकती हूँ, यहाँ तक की चीटी के चलने की भी। और अगली बार अगर मेरी बुराई करनी हो तो आप दोनों एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। अब जाइए और टेम्पो के पेपर्स चेक करिए अभी। जी मैडम। जी मैडम। पेपर्स बताइए।